भाई सुबह 6 बजे सोकर उठा, मैंने सोचा पहले मुंह धोकर एक नंबर कर लेता हूँ। वॉशरूम से बाहर आया तो देखा अफगानिस्तान वालों ने 2 नंबर कर दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूँ रौनक। सेमीफाइनल की सुबह आपका स्वागत है। रणतंत्र देख रहे हैं यार राशिद खान और पूरी अफगानिस्तान की टीम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें आपसे प्यार है, लेकिन हमें अपनी नींद से भी प्यार है भैया। अगर आपको होटल में नहीं करना था और लोटा लेकर मैदान में आना था तो पहले बता देते यार। जो लोग हमसे पूछ रहे हैं सूजी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हाँ सूजी है, हमारी आंखें सूजी है नींद से। समझ रहे हो आप? अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर आईपीएल में बेंगलुरु के लिए नहीं खेलता, लेकिन सेमीफाइनल में उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेंगलुरु वाली थी। लगता है अफगानिस्तान के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर है। तभी उन्होंने 56 रन बनाकर अब तक 56 को ट्रिब्यूट पेश किया। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके फेवरेट पॉलिटिशियन मोदी जी हों तो उनकी छाती के बराबर के रन बना लिए। लेकिन कायदे से देखा जाए तो रन बनाए भी कहां हैं, उनके स्कोर कार्ड पर नजर डालोगे तो सबसे ज्यादा रन एक्स्ट्रास के हैं। चलो कोई नहीं, हम लोग यही सोचकर खुश हो लेंगे कि अफगानिस्तान का मकसद इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बाहर कराना था, सो उन्होंने कर दिया। अब जब किस्मत में ही लिखे होंगे हथौड़े तो कहां से खा लेंगे पकौड़े। बात तो सही है। तो दोस्तों हुआ ये कि राशिद खान ने टॉस जीता, पहली बार कुछ गलत किया, मतलब बल्लेबाजी ले ली। आधा अफगानिस्तान अभी सोकर भी नहीं उठा होगा और वहां साउथ अफ्रीका वालों ने उनके विकेट उठाने शुरू कर दिए। मेरे हिसाब से पिच मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल इतनी भी नहीं थी जितनी अफगानिस्तान वालों ने उसको बना दिया। ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान के बल्लेबाज पवेलियन आने से पहले मैगी चढ़ाकर गए थे और पकने से पहले वापस लौट जा रहे थे। मैं तभी समझ गया था कि अफगानिस्तान का आज का दिन खराब है जब उनके हाईएस्ट रन स्कोरर गुरबाज बिना रन बनाए वापस लौट गए। इसके बाद तो तू चल मैं आया वाली स्कीम देखने को मिली। 56 रन पर अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, जो कि उनका लोएस्ट T20 इंटरनेशनल स्कोर है। साउथ अफ्रीका वालों ने अफगानिस्तान और इंडिया वालों को एक संदेश भेजा इस परफॉर्मेंस के बाद कि यार हम भी यहाँ खेलने आए, हम भी केप टाउन में कोई पकौड़े की दुकान थोड़ी लगाते हैं। 9 ओवर से भी कम लगे साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने में। 9 विकेट से मैच साउथ अफ्रीका जीत गई और अपने ऊपर लगा चोकर्स का टैग हटाने में कामयाब रही, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली बार साउथ अफ्रीका वाले फाइनल खेलने वाले हैं। बधाई साउथ अफ्रीका। इधर फाइनल खेलेगी, उधर इंडिया वाले भी उनके साथ अपनी टिकट पक्की करने की कोशिश करेंगे आज शाम को। और माई 11 सर्कल ऐप वाले भी आपको एक बेहतरीन कोशिश करके करोड़पति बनने का मौका दे रहे हैं, और इसलिए वो लेकर आए हैं एक ऐसा ऑफर जो आपको फैंटेसी की दुनिया में कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये काम करने में माई 11 सर्कल ऐप बेस्ट है। अब आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि आज है इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल। अब ये तो सबको पता है कि माई 11 सर्कल ऐप पर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट जीतते हो तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज आपके पास करोड़पति बनने का मौका है मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, ऐप डाउनलोड करने के 1 घंटे के अंदर अगर आप रजिस्टर करके मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए होगी, और 1 नहीं 2 नहीं 5 टीम के साथ मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, यानी 5 टीम की एंट्री फीस 5 रुपए। अब बताइए 5 रुपए के इन्वेस्टमेंट में करोड़पति कौन बनाएगा? ओनली माई 11 सर्कल ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको डाउनलोड करो, 1500 का ज्वाइनिंग बोनस और मेरा कूपन कोड लगाने में 20% एक्स्ट्रा कैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम इंडिया की। मैं अभी गयाना का मौसम चेक किया और फिलहाल वहां पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब से 10 घंटे बाद यानी जब मैच शुरू होगा तब वहां पर भयंकर बरसात के आसार है। अब देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल होगा, लेकिन अफगानिस्तान की हार के बाद मैं सहम गया हूं। मुझे लग रहा है कि एक प्रेडिक्शन गलत हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि अब साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड फाइनल हो जाए। अब चाहता तो मैं यही हूं कि इंडिया बड़ी बुरी तरीके से इंग्लैंड को रगड़ के फाइनल में पहुंचे, लेकिन जिस हिसाब से फूटी किस्मत है ना अपनी, दिमाग का एक साइड ये भी कह रहा है कि बारिश होती रहे, हमें कोई हीरो बन के फाइनल में नहीं पहुंचना है, फाइनल में पहुंचना है और ट्रॉफी जीतनी है किसी भी हालत में। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में हीरो की तरह हमको एंट्री करनी चाहिए या फिर भैया फाइनल की एंट्री मिलनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, जीत कर मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बेकार में चांस क्यों लेना। इंग्लैंड के 2 दैत्य भाई अतापी और वतापी यानी बटलर और सॉल्ट चल गए तो हम कहीं के ना रहेंगे। आप कमेंट करके बताओ कि बेटर क्या है। बाकी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पे कुछ कहना है तो कमेंट करके बताना। फिलहाल ये रही मेरी आज की माई 11 सर्कल वाली टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। विकेट कीपर है बटलर, सॉल्ट और पंत, बल्लेबाज तीनों भारतीय हैं, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऑलराउंडर होंगे पटेल, मोइन अली और हार्दिक पंड्या। गेंदबाज हैं आर्चर और बुमराह। कप्तान बनाऊंगा पंड्या को जबकि उपकप्तान है सॉल्ट। आप भी डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करोड़पति बनने का मौका पाओ। बाकी याद रखना, दिस गेम इन ऑल्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं इंडिया की जीत की खुशखबरी के साथ। सी यू टुमारो। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।